यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली एयरपोर्ट से है वो 87 किलोमीटर यानी कि मेरा लगेगा 1.5। स्पेशल थैंक्स गुजरात पुलिस को, उन्होंने दी परमिशन यहाँ पे उड़ाने के लिए ड्रोन। सो गाइस ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ, सामने लिखा हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और राइट साइड में यार ये लेक देख रहे हो कितनी बड़ी लेक है, लेकिन इसमें टोटल 300 से ज्यादा क्रोकोडाइल्स है। Subscribe to IPM Vlogs and click the bell icon so you never miss any video. Well, so what's up guys, IPM Vlogs back here. आज इस वाली वीडियो में मैं जा रहा हूँ वडोदरा, क्योंकि वहाँ पे बिगेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो स्टैचू है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो मैं स्पेशली दिल्ली से आ रहा हूँ वडोदरा देखने के लिए वो स्टैचू, और आपको पूरा दिखाऊंगी वो स्टैचू दिखने में कैसा है। वहाँ पे जाकर करूँगा पूरा एक्सप्लोर में वडोदरा को, यहाँ पे कैसा है पूरा वडोदरा। और जो टाइम हो रहा है वो इस समय हो रहा है 12:30, डेट है 30th November। जो मेरी फ्लाइट है वो सुबह 5 बजे की है, तो मेरे को एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा अप्रॉक्सिमेटली 3:30 बजे। और जो मेरी वापसी है वडोदरा से दिल्ली के लिए वो भी आज ही है 30th November सेम डे। मेरी रात की फ्लाइट है वो है 8:55 की रात की। सो भाई तेरे चलने का कुछ प्लान था? हाँ यार प्लान तो था बट अभी कंफर्म नहीं है। इसका क्या हुआ कि मेरे को इसने एंड टाइम पे बोला कि भाई मेरी टिकट भी खरीद ले, इसको मैं इतने टाइम से पहले बोलता आ रहा था कि भाई ले, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, कोई नहीं चल ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। सो कहीं जल्दी चलते हैं एयरपोर्ट एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार दिल्ली से वडोदरा जा रहा हूँ एक वीडियो के लिए। सो यार छोटी बात तो नहीं है ना, तो यार वीडियो को कम से कम लाइक, क्योंकि यार आप लोगों की इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो यार एक लाइक तो बनता ही है ना भाई। बिल्कुल भाई मेहनत कर रहे यार, तो लाइक तो बनता है यार, क्योंकि भाई पूरा दिन जाएगा ठीक है। सो कहीं ब्लॉग एंजॉय करो एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो कहते हैं यहाँ पे सारा सामान बढ़ाओ जो मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ में। देखिए यहाँ पे मेरा फैंटम 4 प्रो ड्रोन है DJI कंपनी का, यहाँ पे मेरा फोन, यहाँ पे मेरा फोन, और मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की आईडी को यहाँ पे दिख रही होगी, क्योंकि यार इंस्टाग्राम वालों को भाई पता चल गया था कि मैं जा रहा हूँ वडोदरा, तो उससे भाई होते हैं रेगुलर अपडेट, क्योंकि फिर आप मेरे को लोग बोलते हैं मेरे को जैसे मिलना था। बिल्कुल भाई भाई यहाँ पे मेरा GoPro का मिनी ट्राइपॉड स्टैंड है, GoPro चार्ज हो रहा है, यहाँ पे मेरे यूबोन के हेडफोन्स है, और यहाँ पे मेरे सनग्लासेस हैं ठीक है भाई। इनकी यार आवाज़ से प्यार हो चुका है, लेकिन भाई बढ़िया हेडफोन है, सही यार हेडफोन दो यार ठीक है। यहाँ पर मेरा GoPro चार्ज हो रहा है ठीक है, और यहाँ मेरी कैमरा की बैटरी वैटरी चार्ज हो रही है, पावर बैंक चार्ज हो रहा है। सो भाई वीडियो अच्छी बनने वाली है ठीक है भाई, एक बजने वाला है, मेरे को भी जान दे, चल जल्दी जा बाय। ओके 3:28 AM बाय बाय अंकल, मिलता हूँ रात को, हैप्पी जर्नी, थैंक यू अंकल। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे टर्मिनल 2 पे, और देखिए यहाँ से मैं जाऊँगा वडोदरा ठीक है। जो मेरी फ्लाइट है वो है गो इंडिगो, और जरा चलते हैं गेट नंबर 3 से अंदर एंट्री रहते हैं ठीक है। और यार यहाँ पे मेरे पापा के पास फैंटम 4 है, सो जल्दी से चलते हैं अंदर। तो ये पूरा टर्मिनल 2 है, देखिए यहाँ पे पूरा इनका एयरपोर्ट अच्छा खासा ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर बैठने के लिए ठीक है। मेरा फर्स्ट टाइम टर्मिनल 2 पे आना, और देखा चीज की मेरे को दिखाई थी जब मैं ड्रोन को लेकर आ रहा था, तो मेरे को उन्होंने रोक लिया था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे ड्रोन आपका ही जाएगा सिर्फ जैकेट के अंदर, बट फिर उनको मैंने बोला कि ड्रोन को ले आना है हैंड बैगेज के अंदर, तो जल्दी चलते हैं बस के अंदर आज चेक करके चलता आपको मैं अंदर, तो लेट्स गो। सो देखिए यहाँ पे खड़ा हुआ है प्लेन हमारा, इसमें हम जाएंगे अभी वडोदरा, ये है हमारी इंडिगो एयरलाइंस का प्लेन, और यहाँ पे खड़ी है स्पाइस जेट। हमने फाफड़ा ठेपला और कुछ गोटा लिया हमने यहाँ पे खाने के लिए, सो दिखाता हूँ क्या चीज है। देखिए यहाँ पे हमारे ड्राइवर अंकल है ठीक है और एक और चीज गाइस की यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली एयरपोर्ट से है वो 87 किलोमीटर यानी कि मेरा लगेगा 1.5 आवर्स। सो जल्दी कुछ खाते हैं पहले। सो देखिए यहाँ पे है फाफड़ा और यहाँ पे ढोकला है। 2 hours later सुबह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरदार सरोवर डैम यहाँ से 8 किलोमीटर है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि जहाँ मेरे को जाना है वो यहाँ से 5 किलोमीटर। सो यार यहाँ पे मेरे ड्राइवर अंकल, अंकल आपका नाम क्या है? भिक्का भाई। आपकी एज कितनी है? 59 है ठीक है। मेरे भी ड्राइवर अंकल जी है वो 47 ईयर्स की है। अच्छा। उनका आप छोटे हाल जी है, उनको हेलो बोल दो। हेलो। सो देखिए वहाँ पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और उसके मैंने ले लिए ड्रोन शॉट्स, और यहाँ पे मैंने लिए पुलिस परमिशन। स्पेशल थैंक्स गुजरात पुलिस को, उन्होंने दी परमिशन यहाँ पे उड़ाने के लिए ड्रोन, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है। तो पापा है ना? हाँ बिल्कुल सही है, थैंक्स टू गुजरात पुलिस। हाँ और पापा आपकी वजह से सब कुछ है, थैंक यू पापा।
मेरे को ये मत बोलना कमेंट्स के अंदर कि तूने परमिशन ली थी कि इसकी परमिशन दी गई है मिस्टर एसपी श्री अंशुल त्यागी जी से। ठीक है, और देखो मेरे पीछे पुलिस भी खड़ी हुई है साफ साफ। सो गाइस, ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ, सामने लिखा हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होती है ना बारिश तो ये पूरा हो जाता है, ठीक है, और राइट साइड में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू जो कि 182 मीटर्स का, इतना बड़ा स्टैचू है ये, ठीक है। और अभी इसके मैंने ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं विद पुलिस परमिशन। तो गाइस, इसकी टिकट है वो ₹350 की है, व्यूइंग गैलरी की वहाँ पे देखिए बीच में है समवेयर। और एक और चीज़ गाइस कि यहाँ पे आपको जो प्राइवेट व्हीकल है वो अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ पे बस से आना पड़ेगा, जो इनकी खुद की बसेज हैं। जो बस का फेयर है वो ₹30 का है। और एक और चीज़ गाइस कि यहाँ पे टोटल दो तरह की टिकट्स हैं, एक है एक्सप्रेस में क्या है कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी फ्री हो जाओगे सारा काम करके, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और एक है व्यूइंग गैलरी की जो नॉर्मल टिकट है। सो देखिए, अब मैं जा रहा हूँ उसके अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो व्यूइंग गैलरी से मैं जा रहा हूँ, और दिखाता हूँ वहाँ से क्या क्या व्यू आता है, ठीक है, बस गोप्रो भी है। सो गाइस देखिए, इस वक्त जो स्टैचू अभी मेरे ऊपर है, और देखिए यहाँ पे बड़ा सा फेस है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी है अंदर से ये, और इनकी पूरी गैलरी, ठीक है। अब हम जाएंगे ऊपर जो कि इनकी व्यूइंग गैलरी, वहाँ पे हम जाएंगे लिफ्ट से। तो आपको देख के मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हरे वो लोग हैं जो अभी जाएंगे लिफ्ट से ऊपर, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ₹380 की टिकट है अगर आपको जाना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम टिकट को। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से डबल हाइट का है, वो 90 मीटर्स का ही 182 मीटर्स का है। सही है, ये देखो कुछ ऐसे बना हुआ है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ देखिए व्यूइंग गैलरी पे, जो कि 26 फ्लोर पे, ये देखिए यहाँ से आप अपना हाथ बाहर निकाल सकते हो आराम से। ये देखो कुछ ऐसे यहाँ पे आप आओगे, और कुछ देखिए ऐसा व्यू है यहाँ पे, सामने देखिए नर्मदा रिवर है, और सामने सरदार सरोवर डैम वो देखिए, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा व्यू आएगा। और जब यहाँ पे रेनी सीजन होगा ना भाई, व्यू एक नंबर आएगा, ठीक है। मतलब सही है, सही बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है। मुझे बताओ कोई कमेंट के अंदर कि किससे बना हुआ है, ठीक है, मुझे पता नहीं है। सही है, और एक बार सामने तरह देखो व्यू कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। सोचो यहाँ पे पानी बहुत भरा पड़ा है, और वहाँ पे भी ऊपर हिल साइड है, मज़ा आ जाएगा यार व्यू में। स्टैचू इसकी जो मेंटेनेंस है वो चलती रहती है, देखिए ऐसे देखिए इसको साफ़ कर रहे हैं अभी ये। सो इसकी चलती रहती है पूरी मेंटेनेंस अच्छी खासी। सो ये देखिए पूरा यहाँ पे मकैनिक है अच्छा खासा। और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो थोड़े बहुत नॉमिनल है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ₹350 सही है मेरे हिसाब से। अगर आप जाते हैं बुर्ज खलीफा तो वहाँ पे आपसे लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली ₹15,000। जब मेरे पापा गए थे तो उनसे लिए थे ₹15,000 एक बंदे के। अभी जो मेरे मामू और मामी होकर आए थे उनसे टोटल लिए थे ₹22,000। सो यार वो थोड़ा मेरे को पता है कि हाइट पे है वो अप्रॉक्सीमेटली, जो मेरे मामू और मामी है वो गए थे 148 फ्लोर पे, और उसके उन्होंने ₹22,000 दिए। सोचो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी सही है। और जब बुर्ज खलीफा का व्यू भी आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा औसम होगा, ठीक है। और सून मैं बुर्ज खलीफा को भी अपने कवर करूँगा अपने चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ऑल्सो मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, आपको आईडी यहाँ पे दिख रही होगी। सो गाइस, ये पूरा फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और एक मिनट, आप जो व्यू आएगा वो देखना आप एक बार, ठीक है। रेडी 1 2 3, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे इनके पैर हैं, ये देखिए, और स्टैचू देखो यार एक बार, इतना बड़ा स्टैचू।
सो गाइस देखो हमें सब्सक्राइबर मिल गए। यस वांट YPM व्लॉग्स टू बी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स टेल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो यार मैं यहां पे आया था जिसमें सब्सक्राइबर मिल गए सारे। देखो ये मेरे पीछे तो यार एक और चीज की अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो आप मंडे को बताना क्योंकि मंडे का पूरा क्लोज रहेगा तो मंडे का आपको बिल्कुल यहाँ पे आना वेस्ट हो जाएगा ठीक है। और देखिए यहाँ पे पूरे टिकट के रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं जो तुम कहता हूँ ये लो पढ़ लो टिकट के रेट सारे ठीक है। अच्छा आपका नाम क्या है? विजय सिंह। अच्छा भैया एक बताओ इस तालाब का नाम क्या है? इस तालाब का नाम है पंचमढ़ी तालाब है सर। इसमें कुछ खास बात? इसमें ये खास बात है सर कि यहाँ पे 300 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। इस पूरे तालाब में 300 से ज्यादा क्रोकोडाइल्स हैं। तो देखिए वहाँ पे मुझे काफी दिख रहे हैं वो देखिए सर वो क्रोकोडाइल की जगह होती है। अच्छा। तो थोड़ी थोड़ी बार में वो बाहर आ जाते हैं। तो पहले इसमें बोटिंग हुआ करती थी ना कि बोटिंग यहाँ पे सामने बोटिंग होती थी लेकिन क्रोकोडाइल की वजह से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ठीक है ये देखिए टूरिस्ट काफी आते हैं तो डर जाते हैं सर अंदर जाने के। अच्छा क्या था क्रोकोडाइल्स सर यहाँ पे बाहर तक शाम के वक्त आ जाते हैं सर और सुबह में अगर 7 बजे के पहले आते हैं ना सर यहाँ पे बाहर दिखने को मिलते हैं अंदर चले जाते हैं। अच्छा यहाँ पे दिखते हैं। हाँ सर हाँ। बाहर आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा भैया लेफ्ट साइड में क्या है? ये टेंट सिटी है सर। टेंट सिटी? हाँ टेंट सिटी टेंट बनाई गई है रहने के लिए। अच्छा जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं ना हाँ। वो यहाँ पे रुकते हैं इसके लिए। अच्छा। आपको यहाँ पे बुकिंग करवाना पड़ता है ऑनलाइन। अच्छा और इसके वो क्या है इसके चार्जेस रहने के? सर यहाँ से यहाँ तकरीबन 3,000 से लेकर 12,000 तक का रेंट होता है यहाँ पे अलग अलग रेंट है टेंट सिटी के अंदर। टेंट सिटी के अंदर यहाँ पे खाना सब कुछ मिल जाता है। ठीक है 6 hours later यार अभी आ गया मैं वडोदरा सिटी के अंदर हूँ कि रास्ते में मैं सो गया था थोड़ा बहुत 2 घंटे सो गया था मैं। ठीक है और भी वहाँ पे गए थे हम द फ्लेवर टी पे आप उसके आपको चाय अच्छी लगी? आज से ज्यादा पूरी लाइफ में इससे बेहतरीन चाय नहीं पी। मेरे को अंकित भी ने सजेस्ट करी थी यहाँ पे आने के लिए खाने के लिए सैंडविच और वड़ा पाव और वो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जाकर के सीधा एक शॉप है वहाँ पे जाइए। सो गए देखो शॉप तो वो ही सैंडविच थी बट स्टिल यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भाई आपका नाम क्या है? भाई आप मेरे को देख के चलिया आपके फादर को मैंने वहाँ पे वो शॉप के बाहर स्पॉट किया फिर अच्छा, आपको मैंने अच्छा, मेरे घर के विंडो में सुन। चलो थैंक यू भाई आने के लिए। सो ये देखो यहाँ पे आया था खाने के लिए इसमें सैंडविच ठीक है यहाँ पे अपने लिए चीज़ ग्रिल सैंडविच ठीक है और ये शॉप है विशाल सैंडविच के नाम से। ठीक है तो मेरे को अंकित भैया ने कहा था कि यहाँ पे वो खाने के लिए सैंडविच क्योंकि अंकित भैया यहीं पर रहते हैं। तो भैया शॉप का नाम क्या है? द फ्लेवर टी। आपकी चाय में असल एक खास बात क्या है? हमारे चाय में दो फ्लेवर्स आते हैं नॉर्मली चाय तो वगैरह सबके सब जगह पे मिलती है बट हमारे चाय के अंदर एक फ्लेवर है पान स्ट्रॉबेरी वेनिला ये डिफरेंट फ्लेवर हमारे खुद के फ्लेवर्स हैं अपने कहीं से हमारा खुद का फ्लेवर है। अच्छा खुद के फ्लेवर्स हैं। Several bad puns. So guys, I'm from Delhi. तो गाइस ये थी पूरी वीडियो मेरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले ब्लॉग की एंड वडोदरा वाले ब्लॉग की एंड आई होप यू लाइक द ब्लॉग। और यहाँ पे इतने और सब्सक्राइबर्स मिले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे वडोदरा के अंदर हमें मजा आ गया ना मजा आ गया मेरे को खुद उम्मीद चाय भी वो काफी अच्छी थी और मेरे को खुद उम्मीद नहीं थी कि हमें इतने सारे सब्सक्राइब मिलेंगे। तो अभी जो वीडियो देखी उसको लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है तो पापा चाय कैसी लगी पहले बताओ? चाय बहुत बढ़िया मजा आ गया। ठीक है और अंकल जी आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया पहली बार मैंने पिया है चाय। चलो ठीक है अपने बाय और मैं गलती कर रहा हूँ।